गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के SST का एक लेसन रीड करने वाले हैं एंड द टाइटल इज आई लव माय इंडिया। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चंस को रीड करके आपको करेक्ट आंसर का टिक करना है। ओके, विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो इसे प्रकाश का पर्व किसे बोलते हैं, होली को या दिवाली को? तो दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। ओके, तो आपको दिवाली के आगे टिक करना है। सेकंड देखिए, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को? तो रिपब्लिक डे जो होता है वो 26 जनवरी को होता है, क्योंकि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र हमारा 26 जनवरी 1950 को बना था। ओके, विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स इन आगरा। इनमें से कौन सा आगरा का एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है, ताजमहल या एफिल टावर? तो एफिल टावर तो यूरोप में पड़ता है, हमारे आगरा में क्या है, ताजमहल। तो आपको ताजमहल के आगे टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेसन रीडिंग करते हैं। इन लेसन टू यू लर्न दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। आपने सेकंड लेसन में पढ़ा कि 7 कॉन्टिनेंट्स पूरी दुनिया में हैं। इंडिया लाइज इन एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड आफ्टर चाइना। ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना नंबर 1 पर है। अभी फिलहाल चाइना को इसने क्रॉस कर दिया है, लेकिन बुक्स में अभी आपको इंडिया 2nd पोजीशन पर ही दिखाई देगा। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। भारत में 120 करोड़ से अधिक आबादी है। इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। भारत में लोग भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलते हैं, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद मैनी कंट्रीज। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कई देशों से साझा करता है। इनमें से कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये कुछ पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। ओके, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इट्स नियरेस्ट नेबर्स इन द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय, भारत किनसे घिरा हुआ है, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ओके, ये इंडिया का मैप दिखा रखा है, बच्चों ने थोड़ा सा इस पर डिजाइनिंग बना दिए हैं, लेकिन आप देख लीजिए ये इंडिया का मैप है और इसमें अलग अलग स्टेट्स एंड वो जिसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स। भारत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है जिसे हम राज्य बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। इट हैज़ 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य हैं। इन 2019 टू न्यू यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर फॉर्म्ड। 2019 में दो नई यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जो हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। सी मैप 3.1 फॉर ऑल द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो देखो 3.1 जो मैप है, हर स्टेट, ये स्टेट का नेम है, ये कैपिटल है, हर स्टेट में ऐसे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। हमारे देश में 2 तरह की सरकारें हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बोथ वर्क टुगेदर टू एंश्योर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोनों मिलजुल कर काम करती है ताकि आम लोगों की भलाई और कल्याण के लिए काम कर सके। ओके, ये देखिए ये क्या है, ये बिल्डिंग क्या है, राष्ट्रपति भवन। और ये कौन है हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं।
फैक्ट देख लीजिए, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, गोवा इज द स्मॉलेस्ट और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इंडिपेंडेंस गेव अस द राइट टू चूज द पीपल हु वुड गवर्न अस, तो आज़ादी से हमें ये अधिकार मिला कि हम अपना देश चलाने के लिए अपनी सरकार खुद चुने। दिस इज डन बाय हैविंग एन इलेक्शन, ये एक मतदान के माध्यम से किया जाता है। ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीपल कास्ट देयर वोट एंड चूज सम पीपल, मतदान के दौरान लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने बीच में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं जो आगे चल के सरकार बनाते हैं, या फिर वो चुने हुए लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। दीज पीपल देन फॉर्म द गवर्नमेंट, ये जो हम जिनको हम चुनते हैं वो लोग आगे सरकार बनाते हैं। ओनली दोज हुज एज इज 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोग ही वोट या मतदान डाल सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, नियम बनाती है। इट हैज इट्स ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं या ऑफिस होते हैं वो नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी है। द प्रेजिडेंट द वाइस प्रेजिडेंट द प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन द कैपिटल, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य मंत्री और अधिकारी दिल्ली में रहकर सरकार के लिए काम करते हैं या देश के लिए काम करते हैं। ओके, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन, तो भारत के राष्ट्रपति इस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। चेक पॉइंट में देख लीजिए क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो है चाइना है। मैंने अभी बताया कि अभी इंडिया हो चुका है लेकिन बुक्स में अभी चाइना ही मेंशन किया हुआ है। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश। द पीपल ऑफ डैश हैव द राइट टू चूज द गवर्नमेंट, तो सरकार चुनने का अधिकार किस देश में है, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया आएगा। ओके, द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन डैश, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी भी है, इंडिया की कैपिटल है, तो कैपिटल सिटी में सारे ऑफिसेज होते हैं मिनिस्ट्रीज के। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द पीपल, केंद्र सरकार के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर आदमी की परेशानी का समाधान या समस्या का समाधान कर सकें। देयरफोर ईच स्टेट इलेक्ट्स इट्स ऑन गवर्नमेंट, इसीलिए हर राज्य अपना अलग सरकार चुनती है या अपनी अलग सरकार चुनती है। इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, इसे हम राज्य सरकार कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट, तो राज्य सरकारें अपने राज्य में रहने वाले लोगों के कल्याण के काम करती है। हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होगी और वो अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के भलाई के लिए या उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स एंड द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन द स्टेट कैपिटल, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और अधिकारी किसी भी राज्य के राजधानी में रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, तो ये सारे राजस्थान की जो मिनिस्ट्रीज हैं और सारे अधिकारी हैं वो जयपुर में रहते हैं। ओके, इसी तरीके से अलग स्टेट की जो भी राजधानी होगी सारे ऑफिसेज वहाँ पर होंगे। ओके, यूनियन टेरिटरीज, अब यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, दीज आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द 28 स्टेट्स, ये भारत के वो भाग हैं जो 28 राज्यों में नहीं आते। दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दे आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली को मिलाकर भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकेट दीज यूनियन टेरिटरीज इन मैप 3.1, तो ये आपका वर्क है कि आप इंडिया के मैप में इन यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, देखिए क्या है यूनियन टेरिटरीज, इनके नाम है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स,
इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर. सेकंड क्या है? चंडीगढ़. चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़. दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल क्या है? दमन. जम्मू एंड कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू. समर्स में श्रीनगर होती है और विंटर्स में जम्मू होती है कैपिटल, क्योंकि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, इसीलिए विंटर्स में कैपिटल को जम्मू कर दिया जाता है. लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह. लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारट्टी. पुडुचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? पुडुचेरी. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल क्या है? दिल्ली इटसेल्फ. और देखिए, नो यूर इंडिया, नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? टाइगर. नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक. नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो. नेशनल ट्री बनियान. नेशनल फ्लावर लोटस. ओके, आई होप कि आपको ये पता होंगे. चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं इस लेसन का. इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. भारत बहुत बड़ा देश है और ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, केंद्र सरकार पूरे देश की देखरेख करती है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है. द स्टेट गवर्नमेंट्स गवर्न द स्टेट, राज्य सरकारें राज्य को चलाती हैं या राज्य की देखरेख करती हैं. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत के कुछ हिस्से सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं. दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, इन्हें यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है. ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन को क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.